वर्णन किया है इस धरती पर नवरात्रा के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। इस श्लोक में लिखा है व्रतानी यान चान्यानी दानानी विदानी च। नवरात्रि में जो आपने ये अनुष्ठान किया है इसके तुल्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला है, सुख समृद्धि और सबसे आनंद की बात यह व्रत संतान देने वाला है। नवरात्रा का जो व्रत है वो संतान देने वाला है, आयु बढ़ाने वाला है, आरोग्यता निरोगता देने वाला है और स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। नवरात्रा की महिमा है। यह बातें सुनकर के तो लगता है कि एक भी नवरात्रा छूटे ही नहीं। इस ग्रंथ में लिखा है हो जाए तो चारों नवरात्रा करो, चारों ना हो पावे तो दो करो, शारदीय और चैत्र की, और दोनों ना हो पावे तो वर्ष में एक बार शारदीय नवरात्रा तो जरूर करो। इसी देवी भागवत में सवाल ठीक है। आयु आरोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा उम्र देती है माँ भगवती जगदम्बा। नवरात्रा का व्रत उम्र देता है, उम्र देवे, आरोग्यता देवे, धन देवे, सुख शांति संतान और मरने के बाद मोक्ष स्वर्ग प्रदानित करने वाला यह व्रत है। फिर लिखा है कि विद्यार्थी वा धनार्थी वा यदि बच्चे यह व्रत करते हैं तो उनको विद्या मिलती है। हमारे गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चों ने 9 दिन का नवरात्रा का व्रत किया और 10वीं को अपना व्रत खोलेंगे। टोटली 8 to 10 सभी बच्चों ने, गुरुकुल के सभी बच्चों ने उनको पूछा कि तुम सब क्यों कर रहे हो, व्रत पूरा 9 दिन का क्यों कर रहे हो, तो बच्चे कहते हैं महाराज जी ने कहा है कि जो विद्यार्थी नवरात्रा का व्रत करते हैं उनके दिमाग में संपूर्ण विद्या चल के आ जाती है, इसलिए हम कर। सब बच्चों ने नवरात्रा का व्रत किया। विद्यार्थी वा धनार्थी वा पुत्रार्थी वा भविन नरह लिखा है। विद्यार्थियों को ये नवरात्रा का व्रत है वो विद्या देता है, धन प्राप्त करने वालों के लिए धन, पुत्र प्राप्ति के लिए ये नवरात्रा का व्रत उन्हें पुत्र। इनमें मनुष्य किसी की भी कामना जो भी करता है यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। नवरात्रा का अनुष्ठान ऐसा यम यम चिंतते, इसमें जो सोचा जाएगा तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये निश्चित है वह वही प्राप्त कर लेगा जो उसने सोचा है। उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। लास्ट में भगवान व्यास ने कहा तेनेदम विदित्व कार्यम व्रतम सौभाग्यदम शिवम। यह व्रत सौभाग्य देता है, सुंदर भाग्य देता है, इसलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया। और सुनो क्या लिखा है। पूर्व जन्मन ये नूनम न कृतम व्रतम उत्तमम ते व्याधिनो दरिद्राश भवन्ति पुत्र वर्जिता। ये श्लोक किसी को बुरा ना लगे, इसमें लिखा है पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं हुआ है वे इस जन्म में रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें बीमारी ने घेर लिया है, दरिद्रता भोग रहे हैं, या तो संतान हो नहीं रही है या होके मौत को प्राप्त हो गई है। ये माता रानी के इस पूर्व जन्म में व्रत ना करने का ये परिणाम है, ऐसा भगवान वेदव्यास बोले। यदि विश्वास नहीं हो तो 3rd skandha, 27th और 19 नंबर के श्लोक में ये लिखा है ते व्याधिनो दरिद्राशा भवंती पुत्र वर्जिता। संतान का ना होना, दरिद्रता झेलना और बीमारी झेलना, तो इसका परिणाम यह है कि पूर्व काल में माँ भगवती जगदम्बा का व्रत नहीं किया है, तो इस जन्म में कर लो। जो इस व्रत को करने में असमर्थ हैं, घर में कोई बीमार हैं और उन्हें बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो घर के बेटा बहू जो भी घर में हैं उन बीमार लोगों के लिए आप भी ये नवरात्रा का व्रत करके उन्हें समर्पित कर देते हैं तो उन्हें आरोग्यता मिल जाती है, उन्हें निरोगता मिल जाती है। यह महिमा है व्रत की।
बंद्या च या भवि नारी विधवा धन वर्जिता अनुमा तत्र कर्तव्यः नियम कृतवती व्रतम। जो स्त्री जिसको संतान नहीं हुई या जिसका पति नहीं है, जो धनहीन है, पैसा नहीं है, पति के बिना जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत कष्टप्रद है, जिसको संतान नहीं है, माता रानी को अपना सहारा बना ले, ये मैया उसको भव सागर से पार कर देगी, कल्याण कर देगी, उसको उसको जीवन में स्वीकार कर ले। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम ना कृतम ये न भूतले सा कथम विभवम प्राप्य मोदते चा तदा देवी। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने नवरात्रा व्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इस लोक में वैभव नहीं प्राप्त कर पाएगा और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग कैसे पहुंचेगा। मां की कृपा से ही इष्ट का दर्शन होता है। कल मैंने बोला है जानकी माता ने मां की कृपा से राम जी को, रुक्मिणी माता ने मां की कृपा से घनश्याम जी को प्राप्त किया, ब्रज की गोपियों ने माँ की कृपा से ही नंद नंदन यशोदानंदन भगवान कृष्ण को प्राप्त किया है। तो माँ की इतनी बड़ी महिमा है। पूछा गया था राजा जन्मेजय के द्वारा माँ को पूजन, विशेष रूप से माँ प्रसन्न हो उसके लिए पूजन किस विधि से कैसे करें, तो कहा रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमलई बिल्व पत्र कई। वर्णन है कि चंदन मिश्रित लाल चंदन माँ को अति प्रिय है, ये लिखने लायक बात है, लाल चंदन कोमल बेलपत्र। देखा है कुछ बेलपत्र ऐसे हैं उसके इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसके पत्ते ऐसे मुड़े हुए होते हैं। तो इसमें लिखा है ना तो ज्यादा कठोर ज्यादा बड़ा हो और ना बिल्कुल छोटा हो, बीच का हो, जो पत्ता मुड़ने से हाल ही मुड़ जाए, हवा चले तो फहराए, इतना कोमल बेलपत्र हो। स्पष्ट का रक्त चंदनी सम्मिश्रित कोमलई बिल्प पत्र के, जो कोमल हो, कठौआ कठोर ना हो, छपरा सा बड़ा बड़ा ना हो, बीच का हो, ना बिल्कुल छोटा ना बहुत बड़ा, बीच का बेलपत्र, और उस पर रक्त चंदन से श्री लिख लें, क्लीम लिख लें, ओम लिख लें। ये लिख करके भवानी पूजिता येन सा भवे नृपति चितौ, इस धरती पर राजा जैसा वैभव उनका हो जाएगा जिन्होंने मां भवानी को लाल चंदन से बेलपत्र चढ़ाया।